Hello friends, dear parents and dear students. I myself is T.N. Chaudhary, Managing Director, Turning Point Institute. And 25 साल से ये इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंदर पश्चिम बिहार में स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस कोचिंग ट्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है एंड हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही बेहतर एक्सेल कर रहे हैं. दे आर डूइंग वेरी गुड. मैं आज उन पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ जो अपने बच्चे के लिए CBSE के लिए स्कूल एग्जाम्स को बेहतर करें, इसके लिए वो जो टीचर्स और ट्यूटर्स ढूंढ रहे हैं, जो उनकी कोचिंग के लिए ढूंढ रहे हैं और ट्यूशन ढूंढ रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हुआ हूँ एंड मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ. आपने नोटिस किया कि जब आपका बच्चा बहुत छोटा था और वो ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाता था, तो उन बच्चों की माओ ने रोटी के अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स डाल करके और उसको पका के खिलाया है. आज अगर आपका बच्चा CBSE के लिए 9th-10th क्लास के सब्जेक्ट्स की कोचिंग ढूंढ रहा है, 9th-10th क्लास की ट्यूशन ढूंढ रहा है ताकि वो 9th-10th क्लास में अच्छा कर सके, तो मैं आपको इस एग्जाम्पल को याद दिलाना चाहूँगा कि क्या आप ऐसे टीचर की तलाश में हैं जो उसको सिर्फ 9th-10th क्लास के टॉपिक को इतना प्रैक्टिस करा दे कि आपका बच्चा अच्छा नंबर लेके आ जाए, या आप ऐसे टीचर्स की तलाश में हैं उसकी 9th-10th क्लास को वो कुछ इस तरीके से पढ़ाए, कुछ इस तरीके से समझाए कि उस बच्चे का बेस इतना बेहतर हो कि वो आगे चल करके उसको करना क्या है उसको खुद समझ में आ जाए. एक तो तरीका ये है कि हम ऐसे टीचर्स के पास जो हमारे आसपास में जनरली होते हैं, कि कोई होगा जो आपको 10th क्लास के मैथ्स को बता देगा, 9th क्लास को मैथ्स को बता देगा, हो सकता है उनका पर्पस सिर्फ पॉकेट मनी हो, वो आपके बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको कुछ पॉकेट मनी चाहिए. लेकिन क्या आप प्रोफेशनल्स का हेल्प लेना चाहेंगे या आप ऐसे टीचर्स के पास जाना चाहेंगे जो टीचर्स आपके बच्चे के फाउंडेशंस पे काम कर सके, उनको सब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से लेयर बाय लेयर खोले और समझाएं और इस तरीके से उनके दिमाग में डालें कि उसको सब्जेक्ट का मजा आने लगे, तो ये बेहतर होगा, या सिर्फ प्रैक्टिस करते जाएं 2+2=4, 2×2=3=6, दैट विल हेल्प. सो मुझे लगता है आप भी समझ रहे होंगे कि अगर बच्चा सब्जेक्ट समझ सके तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता. सो 9th-10th क्लास के बच्चे के लिए CBSE में ट्यूशन ढूंढने की जब बात होती है, तो उनको बहुत ही बेहतरीन टीचर्स की जरूरत होती है. इफ़ यू फेल टू गिव हिम सपोर्ट योर इफ यू फेल टू गिव अ प्रॉपर सपोर्ट टू योर चाइल्ड बाय अ वेरी बेस्ट टीचर एट 9th-10th लेवल, देन बिलीव मी यू आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन क्लास 11th-12th. एंड इफ योर चाइल्ड इज हैज क्रॉस दिस 9th-10th एंड योर चाइल्ड इज इन क्लास 11 एंड योर चाइल्ड सेज लुक मम्मा या लुक पापा, मैं IIT नहीं करना चाहता, नीट नहीं पास करना चाहता, मुझे तो सिर्फ अभी 11th-12th क्लास पे फोकस करना है, इसका मतलब वो बच्चा आज के तारीख में अपने थॉट में क्लियर नहीं है वो IIT और नीट उसको करना है या नहीं करना है. इसका मतलब कि उसको ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है जो उसको सब्जेक्ट को इतना सिंप्लीफाई कर सके कि वो सब्जेक्ट को और बेहतर समझे और उसमें उसको मज़ा आने लगे. क्यों उसने अपने आप को सिर्फ CBSE की तरफ फोकस करा है? क्योंकि वो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना चाहता है, ये आप सोचते हो सकता है. इसके पीछे एक वजह ये भी हो कि वो जानता है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस के लिए सब्जेक्ट को पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल हो जाता है और बड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है उसको राइट सिस्टम ऑफ सपोर्ट ऑफ टीचर्स नहीं हो. तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे के लिए जो कह रहा है कि मुझे सिर्फ CBSE को करना है, आप टर्निंग पॉइंट पर भरोसा कीजिए. हमारे यहाँ CBSE को पढ़ाने के लिए वी हैव अ वेरी डिफरेंट बैच, उसको हम लोग इंटीग्रेटेड कोर्स प्रोग्राम कहते हैं IGCP, और हम लोग उन बच्चों पे कुछ इस तरीके से लेटर बाय लेटर स्टेप बाय स्टेप उनको हम लेके आगे बढ़ते हैं, ऐसे इस तरीके से उनके नॉलेज को एस्केलेट करते हैं कि दे एंजॉय, दे डोंट फाइंड पेनिंगनेस इन दैट एंड दे आर एबल टू डू इट वेरी वेल. सो प्रिपरेशन फॉर CBSE इन क्लास 11th-12th शुड बी डन इन सच अ मैनर दैट ही अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड दैन हीज ऑल वाइडर ऑप्शंस आर ओपन. लेट सपोज ही डजंट वांट टू डू IIT या नीट एंड वो 11th-12th क्लास में बहुत अच्छे पढ़ कर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता है और सिंपली मे बी ही इज विलिंग टू डू मास्टर इन फिजिक्स एंड बाई डूइंग बैचलर इन फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो उसके सब्जेक्ट के इंटरेस्ट को भी तो डेवलप करने की ज़रूरत है और उसके लिए तो आपको बहुत बेहतरीन टीचर की ज़रूरत है जो उसको सब्जेक्ट की फैमिली को समझा सके. सो डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से दैट अगर एक बच्चा 9th-10th क्लास में है या 11th-12th क्लास में है और हो सकता है वो ये कहता है कि मम्मी मुझे सिर्फ CBSE के लिए पढ़ाई करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे टीचर्स के हवाले अपने बच्चों को कर देंगे जो उसको सिर्फ सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करा के उसको चंद नंबर दिला सके. इसका मतलब आपने उस बच्चे को बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट को समझने से उसको क्या कर दिया, महरूम कर दिया. यू हैव मेड हिम अवे. सो आई रिक्वेस्ट यू
please come to Turning Point and we will help your child in such a manner that he should get interest in the subject, he should score very good marks, and then he should be sufficient enough to judge what should be his next step. Thank you very much.